नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, जो कि कांग्रेस से आते हैं, वो नौगांव के तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। महाराजपुर विधायक धरने पर इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि उनके इलाके में किसान परेशान है। कई महीनों से यहाँ का जो विद्युत अमला है वो किसानों को 10 घंटे निर्धारित बिजली नहीं दे पा रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ ट्रांसफार्मर खराब होने का समय 3-3 महीने तक गुजर चुका है। 3 महीने से ट्रांसफार्मर गांव में खराब पड़े हैं और उनको बदलने वाला कोई नहीं है। तो विधायक नीरज दीक्षित कांग्रेस विधायक हैं महाराजपुर विधानसभा सीट से। वो अपने समर्थकों के साथ नौगांव तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं, जमीन पर बैठे हैं और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी यहां शुरू हो गई है। विधायक का कहना है कि किसान परेशान हैं और किसानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है विद्युत अमले के द्वारा। पहले भी कई दफा वे विद्युत अमले से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनते हैं धरने पर बैठे विधायक नीरज दीक्षित ने क्या कहा। आज बराबर 2 महीने से विद्युत विभाग को सूचित कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कई जगह के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उनको समय पर ना बदलते हैं, साथ में वोल्टेज की बहुत कमी है, अवैध कटौती भी करते हैं, अवैध वसूली भी हो रही है। इन सबको बंद किया जाए, एक लाइट का एक समय दिया जाए कि इतने से इतने बजे तक रहेगी, अवैध कटौती बंद की जाए, साथ में वोल्टेज पर्याप्त मात्रा में दिया जाए जिससे कि किसानों की सिंचाई हो सके और फसलें उग सकें। MBB के कर्मचारी आ जाए, वो हमें एक समय दें, अगर कितने दिन में नहीं करते हैं उनका एक निश्चित समय मिल जाए, अगर उतने दिन के अंदर वो सही नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और विद्युत विभाग का घेराव भी करेंगे। अगर अभी कोई अधिकारी नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो चक्का जाम भी करेंगे और जहाँ तक हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं वहाँ तक हम लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा इलाका जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें कई गांव हैं जहां पर 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं और उनके ट्रांसफार्मर को सुधारने के लिए बिजली विभाग को विधायक खुद शिकायतें कर रहे हैं, आवेदन दिला रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ का एक गाँव है गणेशपुरा, जहाँ पर नवरात्र के महीने से 3 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, गाँव में अंधेरा पसरा है। विधायक खुद कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन गढ़ी मलहरा के OIC औरंगजेब बेग, जो कि लगातार विवादित रहे हैं, पिछले दिन उनका एक वीडियो भी सामने आया था, एक दलित महिला को मां की गालियां देते हुए एक OIC नजर आ रहा था। तो महाराजपुर क्षेत्र में विद्युत विभाग की बुरी स्थिति है, यहां काम कर रहे अधिकारी जो हैं वो मनमानी पर उतारू हैं और विधायक की भी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए विधायक नीरज दीक्षित को धरने पर बैठना पड़ा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए। हमारी खबरों को देखने के लिए आप YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज पर इस स्टोरी को देख रहे थे तो आप पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।